अब देखें, ये हमारे पास लॉगिन सिस्टम है, इसमें हम लॉगिन कर सकते हैं। तो ये तो लॉगिन है, और उसके बाद ये है रजिस्टर सिस्टम। तो यहाँ से हम रजिस्टर करते हैं अपने मतलब यूज़र को। तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहले लिखे हुए हैं, हम एडमिन एडमिन करते हैं, पासवर्ड हमने दे दिया है। लॉगिन करेंगे तो हम सीधा डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब डैशबोर्ड में क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर चार हमें शो हो रही हैं, वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ से शो हो रही हैं। ये चार हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम अगर एक और प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं यहाँ पर, मसलन कोई भी टाइप दे देते हैं यहाँ से, ठीक है, और ये आगे सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी एक और क्रिएट हो गई, ठीक है, अब पाँच हो गई। हमारे पास डैशबोर्ड में भी पाँच नज़र आएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एम्प्लाईज़ हैं, यहाँ पर एक एम्प्लाई है, यहाँ पर भी एक ही एम्प्लाई है। तो अब देखें, यहाँ पर इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक मतलब येलो कलर की है। तो हम इसके फाइल्स में जाते हैं, पब्लिक में और इमेजेस, उसके बाद एम्प्लॉयज़ में। तो देखें यहाँ पर एक जो है इसकी इमेज पड़ी हुई है। अब इसको हम अगर एडिट करते हैं तो हमारी जो पिछली जो इमेज है, जो ये वाली, वो हमारी हट जाएगी। मसलन कोई भी दे देते हैं, ये दे देते हैं। अब हमने अपडेट कर दिया इसको, ठीक है, अब हमारी पिक्चर अपडेट हो गई। अब हमारी जो वो पिछली पिक्चर थी वो हमारी डिलीट हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड में अभी भी एक ही एम्प्लॉई है, पर अगर हम एक एम्प्लॉई और बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर कोई एक और एम्प्लॉई दे देते हैं, सही है, और यहाँ से कुछ भी दे दे दे। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दे दिया है सारा डेटा, और हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर दो एम्प्लॉयज़ आ गए, और हमारे रिकॉर्ड में भी दो एम्प्लॉयज़ आ गए। और आप यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं किसी भी फील्ड को लेके, आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, आईडी से सॉर्ट करें या लास्ट नेम से, DOB, जिससे भी आप सॉर्ट करना चाहें उससे कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से सर्च कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं किसी भी मेन्यू को, प्रॉपर्टीज़, अगर प्रॉपर्टीज़ में जाना है तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने काम किया है। अब लीजेस पे काम रहता है अभी, तो उसमें ऐसे होगा कि हम लीजेस को ऐड करवाएंगे, एम्प्लॉय आईडी होगी वहाँ पर और प्रॉपर्टी, तो उन उन दोनों का रिलेशन होगा इसमें, कि ये हमने लीजेस पे प्रॉपर्टी इस एम्प्लॉय को दी हुई है।